मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज़। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज किसान सभा व सीटू ने कृषि बिलों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। किसान सभा में तीनों बिल रद्द करने को लेकर डीसी के मार्फत देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। सीटू के जिला महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों की गोद में खेल रही है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि बिलों को लाया गया है, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को जल्द तीनों कृषि कानूनों से किसानों के समर्थन को रद्द करना चाहिए, क्योंकि यह कानून कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी चरम सीमा पर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की सभी जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। बाइट राजेंद्र कुमार, जिला महासचिव सीटू, फाइनल वीओ। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 8 महीनों से किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फाइनल वीओ। गौरतलब है कि किसान की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 8 महीनों से किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, सुरक्षाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। मजदूरों और किसानों के जो एक ज्वलंत इशू है, जो इस मौजूदा सरकार ने तीन काले कृषि कानूनों को लाकर देश की कृषि की रीढ़ तोड़ी है और किसानों को बंधुआ बनाया है पूंजीपतियों के हाथों, और पिछले कुछ समय से जो हमारे देश के अंदर मजदूरों कर्मचारियों के हिमायत के लिए कानून बने थे, उन कानूनों को पूंजीपतियों और विदेशी कंपनियों के हित में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उनको 4 करोड़ के अंदर तब्दील किया है। और इन नीतियों के चलते आप देख रहे हैं जहां पर एक संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का हनन हुआ है मजदूर और किसान का, वहीं पर इन बिलों के आने से जहां पर एक सट्टाबाजारी और कालाबाजारी अनाज और तिलहन दालों के अंदर बढ़ी है, जिसके चलते आज 200 रुपए से ज्यादा जो है आपका रिफाइंड और जो है दालें 150 रुपए से ज्यादा दुकान के अंदर बिक रही है। और सब्जियों के आप भाव देखें, जो 5 रुपए किलो प्याज नासिक से सरकार ने खरीद कर, इस पूंजीपतियों ने खरीद कर स्टॉक किया था, आज जो है 50-60 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर उन लोगों को बेचा जा रहा है। यही बात हम पीछे कह रहे थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो आप लोगों ने डी कंट्रोल जो इसको किया है, अनियंत्रित किया है, हम सरकार से कह रहे थे कि इससे बहुत बेतहाशा महंगाई बढ़ जाएगी, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि पेट्रोल 100 रुपए बिक रहा है, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से, जहां खाने पीने की चीजें और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से ये बेतहाशा जो महंगाई हुई है, हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं। और हम ये कहने के लिए आए हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था देश के अंदर, कि अंग्रेजों को देश से भगाओ, बरतानिया जो उपनिवेशवाद है इसको देश से बाहर करो, आज हम पूरे देश के अंदर ये कहने के लिए आए हैं कि जो ये मोदी और शाह की जोड़ी है, आप गद्दी छोड़िए, आपने देश के मजदूर को, किसान को, महिला को, छात्र को, नौजवान को, छोटे कारोबारी को, सबको आप लोगों ने तबाह कर दिया है। चंद 50-60 पूंजीपतियों की गोद में खेलकर आप नीतियां बना रहे हैं। हम आज ये आह्वान करने के लिए आए कि आप गद्दी छोड़ो, अगर गद्दी नहीं छोड़ेंगे देश के अंदर जो है, जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था, ये जो है मोदी शाह की टीम के खिलाफ जो है हमारा ये गद्दी छोड़ो आंदोलन आगे निरंतर रहेगा, यही कहने के लिए आज हम आए और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। या तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी
दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।